अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ऑटोमोटिव में खुश आमदीद। ये चैनल बनाया गया है जो ऑटोमोटिव के रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं, जितनी भी हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं उसके बारे में। चलो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू चेक इंजन ऑयल इज जेन्युइन और नॉट जेन्युइन। अक्सर क्या होता है कि जब हम मार्केट में जाते हैं इंजन ऑयल को परचेज़ करने के लिए, तो हमें पता नहीं चलता कौन सा जेन्युइन है, कौन सा नॉन जेन्युइन है, कौन सा फेक इंजन ऑयल है, कौन सा दुरुस्त है। तो ये वीडियो इसके मतलब बनाई गई कि हम आसानी से चेक कर सकें कि ऑयल जो है वाकई ये जेन्युइन है और हमारे लिए, हमारी गाड़ी के लिए, हमारे इंजन के लिए मुफीद है या नहीं। अब अगर हम फेक ऑयल इस्तेमाल करते हैं, नॉट जेन्युइन ऑयल इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या करता है? जब हम नॉट जेन्युइन ऑयल इंजन के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि इंजन के अंदर मूविंग पार्ट है, तो वो मूविंग पार्ट बहुत जल्दी घिसना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो जो ऑयल है वो लुब्रिकेशन ही नहीं कर रहा, प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं हो रही होगी क्योंकि वो जेन्युइन नहीं है। जब वो लुब्रिकेशन प्रॉपर नहीं हो रही होगी तो पार्ट बहुत ज़्यादा घिसना शुरू हो जाएंगे। जब वो इतने ज़्यादा घिसना शुरू हो जाएंगे तो वो इंजन की लाइफ को बहुत ज़्यादा कम कर देंगे। जस्ट सपोज़ कि अगर हम एक जेन्युइन इंजन ऑयल इस्तेमाल करें एक इंजन के अंदर, तो उसकी लाइफ 4 लाख किलोमीटर तक चलती है, तो अगर हम फेक ऑयल इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो उसकी लाइफ वो 50,000 पर आ जाएगी। देखें कितना ज़्यादा डिफरेंस है, कहाँ पर 4 लाख किलोमीटर और कहाँ पर 50,000 किलोमीटर। अच्छा, अब ये बात कि ये ऑयल जो है, ये फेक ऑयल आता कहाँ से, बनता कैसे है? एक्चुअली होता ही हुआ है कि ऑयल की एक वैलिडिटी होती है कि कुछ अरसे के बाद, जो अमूमन पाकिस्तान में अंदर 3,000 से 5,000 किलोमीटर गाड़ी को चलाने के बाद ऑयल को रिप्लेस करना पड़ता है। वो जो रिप्लेस करते हैं ऑयल, क्यों वो ऑयल रिप्लेस करते हैं कि वो जो ऑयल उसके अंदर होता है वो सलाहियत अपनी ख़त्म कर देता है, कम हो जाती है उसकी। तब हम वो ऑयल, वो जो यूज्ड ऑयल होता है, काला ऑयल जिसको इंजन ऑयल बोलते हैं, वो ऑयल ले जाते हैं रिफाइनरी वाले, छोटी छोटी रिफाइनरीज बनी हुई हैं, वो रिफाइनरी वाले क्या करते हैं, उसको रिफ़ाइन करते हैं, साफ़ करते हैं, साफ़ करने के बाद फिर उसको दोबारा से नई पैकिंग दे के दोबारा दे देते हैं। अब एक जो इंजन ऑयल जो जेन्युइन है, और अगर वो 800 रुपये लीटर है, पाकिस्तानी 800 रुपये लीटर है, तो नॉट जेन्युइन ऑयल वो ही ऑयल उनको तकरीबन 150 रुपये लीटर पड़ेगा सेल करने पर। तो देखें इतना ज़्यादा डिफरेंस है। तो मार्केट में जो दुकानदार हजरात होते हैं वो क्या करते हैं, अमूमन क्या होता है कि नॉट जेन्युइन ऑयल जो है वो रखना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है, दुकानदार को तो फ़ायदा हो रहा होता है क्योंकि वो इतना ज़्यादा सस्ता उसको मिल रहा होता है, लेकिन जिस जो बंदा उसको वहाँ से चेंज करवा रहा होता है वो उसकी गाड़ी का, उसके इंजन का बिल्कुल फारिग हो जाते हैं, उसके बिल्कुल लाइफ उसकी ख़त्म हो जाती है। तो कभी भी अपनी गाड़ी के अंदर, इंजन के अंदर नॉट जेन्युइन ऑयल कभी इस्तेमाल नहीं करना, फेक नॉट जेन्युइन ऑयल कभी भी आपने इस्तेमाल है। इसके बाद है कि पाकिस्तान में, हमारे पाकिस्तान में कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो ऑयल सेल करती हैं। ये कुछ कंपनीज़ हैं, जिक ऑयल है, मिकिंग है, किक्स है, कॉलटेक्स है, शेल पेट्रोल, PSO मोबिल और कुछ और भी कंपनीज है। इनमें जो साउथ कोरियन ऑयल्स हैं ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिक, मिकिंग, किक्स, कॉलटेक्स, तो ये ऑयल काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर मौजूद है। और अगर आप ऑथोराइज्ड डीलरशिप से लेंगे तो आपको ये जेन्युइन इंजन ऑयल ही मिलेंगे। अच्छा, जब आपने परचेज़ करना है इंजन ऑयल, मैं इसके लिए एक अलग से भी वीडियो बनाऊँगा कि कौन सा ऑयल हमें इस्तेमाल करना चाहिए गाड़ी के अंदर, कौन सी कंपनी का कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले तो जब आपने चेक करनी है गाड़ी के लिए इंजन ऑयल आपने इस्तेमाल करना है, तो आपने इन कंपनीज़ को देखना है कि ये कंपनीज़ आपके मुल्क के मौजूद हैं पाकिस्तान में, तो यहाँ इनमें से कोई भी आप कंपनी का ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब हमने ऑयल परचेज़ कर लिया है किसी एक कंपनी का, तो हमें कौन कौन सी चीज़ें देखनी है उसमें। सबसे पहले हमने देखनी है उसकी पैकिंग, कि वो पैक्ड किस तरह हुआ है। क्या होता है कि जो नॉट जेन्युइन ऑयल होते हैं, फेक ऑयल होते हैं, इनकी पैकिंग अच्छी नहीं हुई होती। बॉटल जो होती हैं इनके, ये पुरानी बॉटल्स को लेके उसको साफ़ करके धो के वही बोतल इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर नया स्टिकर लगाते हैं। तो स्टिकर जो होता है, जो कंपनी की तरफ से लग कर आ रहा होता है और जो सील कंपनी की तरफ से लग के आ रही होती है, नॉट जेन्युइन ऑयल वाले जो होते हैं वो उनके उनसे वो स्टिकर वो सील नहीं बनती। तो हमेशा इसकी सील प्रॉपरली चेक करनी है, प्रॉपरली लगी हुई हो, और स्टिकर जो होता है वो उतरने वाला ना हो। और स्टिकर के ऊपर आपने चेक करना है कि उसकी कंपनी का नेम प्रॉपर लिखा हुआ हो, स्पेलिंग वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ें देखनी होती हैं जिसके पता चलता है कि ये प्रॉपर ऑयल है या नहीं। और सील के ऊपर अमूमन जो है ना बैच नंबर लिखा हुआ होता है, वो बैच नंबर आपने देख लेना लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। लेकिन ये कुछ इंजन ऑयल्स के ऊपर होता है, सारे इंजन ऑयल्स के ऊपर बैच नंबर नहीं लिखा हुआ होता सील पर।
इसके बाद जब आपने इंजन ऑयल परचेज कर लिया हुआ है, उसकी सीलिंग वगैरह देख ली है, उसका आपने पैकिंग देख ली है, तो दूसरी चीज़ उसमें आ जाती है इंजन ऑयल की स्मेल, कि इंजन ऑयल की स्मेल किस तरह की है। इंजन ऑयल की स्मेल अगर जले हुए इंजन ऑयल के, मतलब जला हुआ की आ रही है, जले हुए होने की, तो वो इंजन ऑयल नॉट जेन्युइन होगा। क्यों? क्योंकि वो पुराना इंजन ऑयल होगा, जला हुआ इंजन ऑयल होता है, उसको थोड़ा सा साफ सुफ करके उसमें कलर वगैरह डाल के उसको दोबारा मार्केट में ले आया था, लेकिन स्मेल उसमें वही रहती है। तो स्मेल अगर आपके इंजन ऑयल में से आ रही है पुराने जले हुए चीज़ की, तो ये इंजन ऑयल फेक इंजन ऑयल होगा। और उसके बाद कलर आपने देखना है कि कलर कौन सा है। ये देखें इसके अंदर कि एक जैसा कलर नहीं है, ऊपर ब्लैक है, ये देखें यहाँ पर ब्लैक है, और जो नीचे है वो कलर और है। इसका मतलब ये है कि ये मिक्सिंग वाला इंजन ऑयल है, इसके अंदर मिक्सिंग की गई है, दो अलहदा अलहदा से कलर है, तो इसका मतलब ये फेक ऑयल है। और ये देखें आप ये वाला इंजन ऑयल देख लें, ये इंजन ऑयल क्या है, ये बिल्कुल एक जैसा कलर है इसका सारा, इसका मतलब ये क्या है, ओरिजिनल ऑयल। जब हम बॉटल से निकाल कर इंजन के अंदर डाल रहे हैं ऑयल, तो कलर एक जैसा, कंटिन्यूसली एक जैसा कलर होना चाहिए। तो कलर आपने देखना है, स्मेल देखनी है इंजन ऑयल की। उसके बाद ये कुछ मैंने यहाँ पर एक और डायग्राम बनाई हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 7 मुख्तलिफ बॉटल्स पड़ी हुई हैं ऑयल की। ये बेसिकली कैपेसिटी बता रही है कि ये सबसे पहले जब नया इंजन ऑयल होता है उसका कलर ऐसा होता है, फिर थोड़ा सा चलने के बाद ऐसा हो जाता है, फिर ऐसा, ये इस तरह, ये जब फुल ब्लैक हो जाता है तब आपने इसको ऑयल कर देना, चेंज कर देना होता है। इसके बाद अजी डस्ट पार्टिकल्स इन ऑयल, जो वो रिफाइन करने वाले होते हैं ऑयल को, जो 2 नंबर तरीके से रिफाइन कर रहे होते हैं, वो रिफाइन करते हैं, लेकिन वो इतना अच्छा रिफाइन नहीं होता जो कंपनी की तरफ से रिफाइन होकर आया हुआ होता है इंजन। तो इसके अंदर क्या बच जाते हैं, डस्ट पार्टिकल्स बच जाते हैं। तो वो ऑयल जो आपने इस्तेमाल किया उसके अंदर अगर डस्ट पार्टिकल आपको नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो क्या है, फेक ऑयल है, इंजन ऑयल उसका जो है वो 2 नंबर ऑयल है। तो आपने कैसे चेक करना है, आप उसको डालते हुए भी देख सकते हैं कि बीच में डस्ट पार्टिकल्स तो नहीं आ रहे, और जब सारा इंजन ऑयल आपने डाली अब बोतल के लास्ट के ऊपर टॉर्च की, मोबाइल की टॉर्च लाइट ऑन करके आप चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर डस्ट तो नहीं मौजूद। अगर डस्ट मौजूद है तो इसका मतलब ये आपका नॉट जेन्युइन ऑयल है। तो कभी भी नॉट जेन्युइन ऑयल या डस्ट वाला ऑयल जो है वो गाड़ी के अंदर इस्तेमाल नहीं करना। इसके बाद आ जाती है मैन्युफैक्चरिंग डेट। हर जो इंजन ऑयल होता है उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट लाजमी लिखी हुई होती है कि वो कौन सी डेट है क्या, ठीक है। तो जो भी वो डेट है उस डेट के मुताबिक हमने उसके नीचे बॉटल के ही नीचे, ये देखें इस डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा है एक डायल बना हुआ है, ये डायल, ये यहाँ पर इसको मैग्नीफाई करके देखा होगा, ये डायल से मुराद है कि ये वाला ऑयल 2016 का मेड है, मैन्युफैक्चरिंग डेट इसकी क्या है, 2016, और जिस तरफ तीर का निशान बना हुआ है इसका मतलब है उस मंथ की है, मतलब 7वां मंथ 2016। यहाँ पर ऊपर आप डेट को देख सकते हैं 25/7/2016, यानी कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, 25/7/2016। जो नॉट जेन्युइन ऑयल होंगे उनके दरमियान में बहुत फ़र्क होगा, मसलन वो डेट अगर लिखी हुई है, डेट लिखी हुई है 2018 की, 6ठा महीना 2018 की अगर डेट लिखी हुई है, तो उसके नीचे अगर ये लिखा हुआ है 7/2016, इसका मतलब है कि वो नॉट जेन्युइन ऑयल है। तो हमेशा आपने वो ऑयल इस्तेमाल करना है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और बोतल के ऊपर बनी हुई डेट सेम हो। अच्छा, ये नॉट जेन्युइन के सेम क्यों नहीं होती, वो इस वजह से सेम नहीं होती कि जो नॉट जेन्युइन ऑयल होते हैं उसमें क्या होता है कि वो बोतल्स पुरानी मार्केट से उठा रहे होते हैं, वो पुरानी मार्केट से बोतल उठा रहे होते हैं, बोतल पुरानी होती है, ऊपर नया स्टिकर लगा देते हैं, इस वजह से दोनों आपस में मैच नहीं करते। हमेशा वो वाला ऑयल इस्तेमाल करें जो दोनों की मैच कर रहा हो। अगर 1-2 महीने का फ़र्क आ रहा है तो इसका मतलब है इट्स ओके, 3-4 महीने तक काबिले कबूल होता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का फ़र्क आ रहा है, तो इसका मतलब है ये नॉट जेन्युइन ऑयल है, फेक ऑयल है। तो ये बॉटल को खोलने से पहले ही हम इसको पता कर सकते हैं, बॉटल की निचली साइड के ऊपर ये डायल बना हुआ था, यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। और जो आपने इंजन ऑयल परचेज करना है उसके ऊपर एक बैच नंबर लिखा हुआ होता है, बैच नंबर आपने लाजमी चेक करना है कि बैच नंबर मौजूद हो। बैच नंबर हमें पता तो नहीं पता चलेगा कि बैच नंबर कौन सा है, कौन सा नहीं है, कब मैन्युफैक्चर हुआ, इसके बारे में तो नहीं पता चलेगा, बस आपने इसमें ये चीज़ चेक कर लेनी है कि इसके ऊपर बैच नंबर लाजमी मौजूद हो।
अगर बैच नंबर मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है ये आयल हमारे लिए इस्तेमाल के काबिल नहीं है, ये वैसे किसी ने वैसे ही बना के लगा दिया हुआ है, वैसे स्टिकर बना के लगा दिया हुआ है। तो हमेशा बैच नंबर आयल वाला इस्तेमाल करें आयल। लास्ट के ऊपर आ जाता है क्यूआर कोड। आजकल कुछ गैलन्स आ रही हैं इंजन ऑयल की जिसके ऊपर क्यूआर कोड बना हुआ होता है। आपने आजकल हर किसी के पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन से आप इसको स्कैन कर लें, स्कैन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला ऑयल जो है ये जेन्यन है या नॉट जेन्यन। आप इसको स्कैन करेंगे, इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी और वहाँ पर लिखा आ जाएगा कि दिस ऑयल इज़ जेन्यन, जेन्यन ऑयल है। तो हमेशा आजकल ज़्यादातर ये क्यूआर कोड आ रहा है, वहाँ से भी आप इंजन ऑयल को चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है कि अगर कौन सा ऑयल गाड़ी के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, कौन सी गाड़ी के अंदर कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए उसकी मैं ये वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।